إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ذلالة وكل ذلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب هفيض بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله फ़कदफ़ा दफ़ाउद नदीम हर तरह की तारीफ़ अल्लाह रब्लम के लिए लायक और जेबा है और दरुदोसलाम हो अल्लाह के तमाम नबियों पर खूस आख़री नबी हज़रत महमद मुस्तफ़ी सलील आल वसम पर मोहतरम हाज्रेन अल्लाह तबारक व ताल हम सब को पैदा किया और ज़िंदगी गुज़ारने के तरीके बताए एक दूसरे के हकूक़ को वाज़ेह किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ये चाहता है कि हम अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारें और दूसरों के हकूक़ जो हमारे ऊपर हैं अल्लाह के हकूक़ के साथ साथ लोगों के भी हकूक़ अदा करें लेकिन आज हम देखते हैं छोटी छोटी बातों पर लोग एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं बातचीत बंद कर लेते हैं, नफ़रत की दुनिया में गुम हो जाते हैं और कभी कभी तो ऐसा होता है कि इंसान अपने रिश्तेदारों के साथ भी ऐसा सलूक करता है जो गैरों के साथ और दुश्मनों के साथ भी नहीं किया जाता हमें चाहिए कि हम अपने रिश्तेदारों का एहतराम करें उनकी इज़्ज़त करें उनके हुकूक अदा करें सिर्फ़ अल्लाह का हक अदा करना ये काफ़ी नहीं है अल्लाह के हुकूक के साथ साथ अल्लाह के बंदों का हुकूक भी अदा करना ज़रूरी है अल्लाह तबारक तआला ने मजीद में बार बार इसकी वजाहत फरमाई है अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने हदीसों में इसकी तरफ तवज्जो दिलाई है कि अपने रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करें उनके हकूक़ अदा कराएँ कुरानी मजीद में अल्लाह तरमाया व तकुल्लदी तसा अलू न बिही वलरहाम अल्लाह से डरते रहो जिसके नाम पर तुम एक दूसरे से सवाल करते हो हमारा कोई मामला होता है तो हम बीच में अल्लाह का वास्ता देते हैं अल्लाह के वास्ते ऐसा मत कीजिए अल्लाह के वास्ते झूठ मत बोलिए अल्लाह ने फरमाया व तकुल्लादी तसा अल्लौना वल अरहाम अल्लाह से डरो जिसके नाम पर तुम एक दूसरे से सवाल करते हो अरहाम और रिश्तों के मामले में भी अल्लाह से डरते रहो रिश्तेदारी निभाते रहो दूसरे मकाम पर अल्लाह ने फरमाया वह वा अब्ला वाला तश्रिको भी सैया अल्लाह की इबादत करो उसके साथ किसी को शरीक न करो व वा वालिदैन एहसाना वालिदैन के साथ उसने सलूक करो व कुरबा और करीबी रिश्तेदारों के साथ भी हसन सलोक करो इबादत सिर्फ़ अल्लाह की वालदान के साथ हसन सलोक और रिश्तेदारों के साथ भी हसन सलोक का अल्लाह तबारा ने हुम दिया आज बहुत सारे लोग अपनी इबादतों पर फ़ख्र महसूस करते हैं हम तो किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाते हैं हम तो नमाज़ पढ़ते हैं हम तो जकवात देते हैं हम तो अल्लाह का हक अदा करते हैं अल्लाह का हक अदा करना ये इंसान की कामयाबी के लिए काफ़ी नहीं है अल्लाह के बंदों का हक़ अदा करना भी ज़रूरी है इसीलिए अल्लाह आलमीन ने अपनी इबादत के साथ वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक का और रिश्तेदारों के साथ भी हुस्ने सुलूक का हुक्म दिया एक और मकाम पर अल्लाह ने फ़रमाया अदल वल एहसान अल्लाह तबार को इंसाफ करने का हुक्म देता एहसान करने का हुक्म देता है ज़िल कुरबा और करीबी रिश्तेदारों का हक अदा करने का हुक्म देता अदलो इंसाफ़ का मामला किया जाए लोगों के साथ एहसान किया जाए और रिश्तेदारों के हकूक अदा किए जाए एक और मकाम पर अल्लाह ने फरमाया व आती रबा हक हो। करीबी रिश्तेदारों का हक़ अदा करो मिसकीन मिसकीनों का हक़ अदा करो व बन सबील और मुसाफिरों का हक़ अदा करो अल्लाह का हक़ अदा करना सिर्फ़ काफ़ी नहीं है अल्लाह के बंदों के हकूक़ अदा करना वालिदैन के हकूक़ अदा करना रिश्तेदारों के हकूक़ अदा करना यहाँ तक कि मुसाफिरों के हकूक़ अदा करना अगर हम अल्लाह तबारक तक्म की पाबंदी करेंगे रिश्तेदारों के हकूक़ अदा करेंगे सिला रहमी करेंगे रिश्तों को जोड़ कर रखेंगे दुनिया में भी फ़ायदा होगा आखरत में भी फ़ायदा होगा और अगर हम रिश्तेदारों को तोड़ करके रखेंगे रिश्तेदारों को दूर कर देंगे सिला रहा नहीं करेंगे क़ारहमी नहीं करेंगे हमारी ज़िंदगी भी बर्बाद होगी आख़रत भी बर्बाद हो जाएगी सिला रहमी के बहुत सारे फ़वाद अल्लाह और उसके रसूल ने कुरान और हदीस में बयान किए हैं जिनका तस्करा मैं मुख्तसर वक्त में आप हजरात के सामने करने की कोशिश करूँगा अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी और आप तमाम हजरात को भी अल्लाह के हकूक़ के साथ साथ रिश्तेदारों और अल्लाह के बंदों के हकूक़ भी अदा करने की तोफ़ी नायात फरमाए अगर रिश्तेदारों के हकूक़ अदा करेंगे तो रिज्क में कुशादगी होगी उम्र में बरक़त होगी हम सब परेशान हैं हम सब चाहते हैं कि हमारी रोज़ी में बरकत हो हम सब चाहते हैं कि हमको लंबी ज़िंदगी मिले लेकिन चाहने से नहीं होगा उसका तरीक़ा क्या है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया हैति अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला हदीस के रावी हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया मन अहब्बा अहब्ब सत लहू फी ही जो शख्स ये चाहता है कि उसकी रज्क में कुशादगी हो जाए उसको ज़्यादा रोज़ी मिल जाए व युनसा लहू फी ही और उसकी जिंदगी में बरकत हो जाए फल यसल रही तो उसको चाहिए कि अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करे रोज़ी में कुशादगी सिला रहमी से होगी लंबी उम्र सिला रहमी से मिलेगी आज हमारा हाल ये है कि हमारा कोई गरीब रिश्तेदार है तो हम उसको अपना रिश्तेदार बताने के लिए शर्माते हैं आज कितने लोग हैं अपने भाई को अपने बाप को अपने रिश्तेदार को अपना मानने के लिए तैयार नहीं है मगरबी तहजीब और कल्चर ने हमारे जहन व दिमाग को इस क़दर बदल दिया रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक किया जाए उनके साथ सिला रहमी की जाए रोज़ी में भी बरकत होगी उम्र में भी बरकत होगी रोज़ी और उम्र में बरकत कैसे होगी मुहदसिन ने बयान किया है कि आप अपने रिश्तेदार की मदद करेंगे पैसों के ज़रिए से तो अल्लाह ताला पैसों के ज़रिए से माल के ज़रिए से आपकी मदद करेगा रिश्तेदारों के हकूक माल के जरिए से अदा करेंगे तो अल्लाह तुम्हारे माल में इजाफा कर देगा रिश्तेदारों के लिए वक्त निकालेंगे आज आज ऐसा दौर है कि इंसान को किसी से मिलने के लिए फुर्सत नहीं किसी से बातचीत के लिए फुर्सत नहीं अपने रिश्तेदारों के लिए वक्त निकालो कभी उनके साथ बैठो हम जो अपने रिश्तेदारों के लिए वक्त निकालते हैं वो रिश्तेदारों के लिए वक्त निकालना अल्लाह को इतना महबूब है कि हमारी जिंदगी में उतनी उम्र बढ़ा देता है पैसे से मदद करते हैं माल में इजाफा होता है वक्त निकालते हैं अल्लाह उम्र में इजाफा कर देता है अल्लाह वाह हमें क्या चाहिए शार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मनहबा लहू फी ही जो शख्स ये चाहता है कि उसकी रोज़ी कुशादा कर दी जाए युनसा लहू फी असरी और उसकी मौत में ताख़ीर हो यानी उम्र लंबी मिल जाए फल यसूल हो तो अपने रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करे इसी तरीके से सिला रहमी अगर करेंगे तो अल्लाह की रहमतें मिलेंगी और मैं ये कहूँ कि अल्लाह की रहमत अगर हमको मिल गई तो सब कुछ मिल गया इसलिए कि इंसान अपनी जिंदगी में हर हर कदम पर हर हर लम्हा अल्लाह की रहमत का मोहताज अगर अल्लाह हमारे ऊपर रहम कर दे तो हमारी जिंदगी संवर जाएगी तो हम सब रहमत इलाही के मोहताज हैं अगर हम सिला रहमी करेंगे तो अल्लाह तबार व तआला की रहमत मिलेगी अल्लाह के नबी से फरमाया ने फरमाया कि अल्लाह तबारक तआला ने जब रहम को पैदा किया तो रहम अर्श इलाही से लटक गया अल्लाह ताला का वो अर्श जिस पर अल्लाह तबारक मुस्तवी है ये रहम अर्श से लटक गया अल्लाह तबारक तआला ने रहम से पूछा बता तू चाहता क्या है तो रहम ने कहा कि अय अल्लाह मैं ये चाहता हूं कि जो सिला रहमी करे मुझे जोड़ कर रखे तू भी उसे जोड़ कर रख और जो मुझे काट दे तू भी उसे काट दे अल्लाह तबारक रहम की इस फरियाद को कबूल किया और अल्लाह तबारक फरमाया, जा मैंने तेरी दुआ कबूल कर ली तेरी फरियाद सुन ली और अल्लाह तबारक फरमाया, मन वसला की वसल तो हो जो तुझसे जुड़ कर रहेगा जो तुझे जोड़ कर रखेगा मैं भी उसे जोड़ कर रखूँगा वमन कता की और जो तुझे काट देगा कत तो मैं उसको काट दूंगा मालूम यह हुआ कि रिश्तेदारियों को जोड़ने से अल्लाह की रहमतें मिलती हैं रिश्तेदारियों को जोड़े रहने से अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होता है और जो रिश्तेदारियां काट देते हैं अल्लाह तबारक तआला की रहमतें कट जाती हैं आज जो हमारे ऊपर मुसीबतें और परेशानियां आ रही हैं जिसके बहुत सारे इसबाब हैं जिसमें से एक सबब यह है कि हमने अपने रिश्तेदारों के हकूक़ नहीं अदा किए हमने अपने रिश्तेदारों को अपने से दूर कर दिया हम उनसे मिलना नहीं चाहते हैं। हम उनके साथ उठना बैठना नहीं चाहते हैं। हम उनके साथ बातचीत करना नहीं चाहते हैं। हम उनके साथ खुशी और ग़मी में शरीक नहीं होना चाहते हैं जिसका नतीजा ये हुआ कि अल्लाह की रहमतें हमसे रूठ गईं इसी तरीके से अल्लाह तबार व तआला ने सिला रहमी करने की वजह से ख़ानदान में मोहब्बत पैदा करता है अल्लाह ताली रिश्तेदारों में मोहब्बत पैदा करता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला हदीस के रावी हैं आपने फ़रमाया लोगों अपने नसब को याद रखो लोगों अपने नसब नामे को याद रखो ताकि तुम उनके साथ हुस्न सलूक कर सको इसलिए कि जो शख्स अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करता है अल्लाह तबार व तआला उसके ज़रिए से उसके घरों में मोहब्बत और उल्फत पैदा कर देता है उसके रिश्तेदारों के दिलों में अल्लाह मोहब्बत पैदा कर देता है उसकी रोजी में इजाफा कर देता है और उसकी मौत में ताखीर कर देता है आज आज हाल ये है कि हमारी फूफी अगर हमारे घर पे आ जाए तो हम परेशान हो जाते हैं हमारी खाला अगर हमारे घर पे आ जाए तो हम परेशान हो जाते हैं फूफी कौन है हमारे बाप की बहन है हमारे बाप की बहन हमारी फूफी लेकिन आज हम उसको मुसीबत समझने लगे हमने चंद पैसे कमाए हमने रिश्तेदारों को अहमियत नहीं दी एक जमाना था जब बाप की बहन घर में आती थी घर में जश्न का माहौल होता था क्यों बाप की बहन आई है फूफी आई है जब माँ की बहन आती थी घर में जश्न होता था खाला आई है माँ की बहन है ना हमने बाप के बहन की इज्जत की हमने ना माँ के बहन की इज्जत की और आज तो हाल यह है कि हम अपने बहनों की इज्जत नहीं करना जानते शादी होने के बाद निकाह होने के बाद हमारी बहन को हम पराया समझने लगते हैं यह हमारा हाल है यह हमारा हाल है मामुओं से हमारे रिश्ते नहीं चाचाओं से हमारे रिश्ते नहीं फूफियों से हमारे रिश्ते नहीं खालाओं से हमारे रिश्ते नहीं हमारे घरों में बरकत कहां से पैदा होगी मेरे भाइयों रिश्तेदारियों को जोड़ कर रखो आप फूफी की इज्जत करेंगे आपके बाप के दिल में आपके ताल्लुक से मोहब्बत पैदा होगी आप खाला की इज्जत करेंगे आपकी बहन अपने माँ की बहन की इज्जत करेंगे आपके ताल्लुक से आपके माँ के दिल में मोहब्बत पैदा होगी इन फूफियों इन खालाओं इन बहनों इन बेटियों की इज्जत करना सीखो सिरा रहमी करो एक दूसरे से करीब हो जाओ अल्लाह तबारको तला रहमतों के दरवाजे खोल देगा आपस में उल्फत और मोहब्बत पैदा होगी घरों में जश्न का माहौल होगा लोग एक दूसरे से खुश होंगे अल्लाह की रहमतों की बारिश होगी हम रिश्तेदारों के हकूक़ नहीं अदा करेंगे अल्लाह की रहमतें रूठ जाएंगी, घरों में बरकत नहीं होगी जिंदगी में बरकत नहीं होगी इंसान परेशान होगा आज हम देखते हैं हर इंसान परेशान नज़र आ रहा है जिसके पास माल है वो माल से परेशान है और जिसके पास माल नहीं है वो माल के लिए परेशान है हर आदमी परेशान है हम ये समझते हैं कि हम बहुत परेशान हैं लेकिन जब अपने दोस्तों से मिलते हैं तो समझते हैं कि नहीं मुझसे ज़्यादा तो वो परेशान है यह है दुनिया यह है दुनिया हर आदमी परेशान है कोई किसी मसले में परेशान है कोई किसी मसले में परेशान मेरे भाइयों रिश्तेदारों के हकूक अदा करो चार दिन की जिंदगी है लोगों की दुआएं मिलेंगी अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी घरों में बरकत होगी उल्फत और मोहब्बत पैदा होगी लोग एक दूसरे से करीब होंगे अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी गजब दूर हो जाएगा बीमारियां दूर हो जाएंगी परेशानियां दूर हो जाएंगी अल्लाह तबारक वाली ने इन चीज़ों का वादा किया रिश्तेदारों के हकूक अदा करते रहो इसी तरीके से सिला रहमी करना रिश्तेदारियों को जोड़ कर रखना ये ईमान की दलील है हम समझते हैं कि नमाज पढ़ना रोज़ा रखना सदका खैरात करना हज और उम्र करना सिर्फ यही ईमान की दलील है नहीं रिश्तेदारी को निभाना भी ईमान की दलील प्यारे नबी ससल ने फरमाया मन का नई उमिन बिल्ला यौमिल आखिर फल रहिमो जो शख्स अल्लाह पर और योम आखरत पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि अपने रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करे उसको चाहिए कि वो सिला रहमी करे अगर हम सिला रहमी नहीं करेंगे तो हमने ईमान का हक नहीं अदा किया अगर हमने सिला रहमी नहीं की तो हमने हमने अल्लाह पर और यम आखरत पर ईमान लाने का हक अदा नहीं किया रिश्तेदारों के हकूक़ अदा करें सिला रहमी करते रहें इसी तरीके से रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करने से सिला रहमी करने से अल्लाह गुनाहों को माफ़ कर देता है सिर्फ़ नमाज से ही गुनाहें नहीं माफ़ होते रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक से भी गुनाह माफ़ होते अल्लाह तबारक व तआला ने सुरे नूर में एक वाक़ बयान किया है वकरी रजी अल्लाह तैन इस उम्मत के सबसे अफजल इंसान हैं अल्लाह के वसल्लम के बाद उम्मत के सबसे अफजल तरीन शख्सियत हैं इनके एक रिश्तेदार थे मिस्ता। आप उनको महाना खर्च देते थे गरीब थे हजरत आयशा से दीका रजी अल्लाह ता पर जब तोहमत लगाई गई तो उस तोहमत में मिस्ता भी शामिल थे मालूम नहीं था सादा हैं इंसान से गलतियाँ हो जाती जब अल्लाह तबारक बरात की आयत उतारी कि आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तैाल का इस गुनाह से कोई ताल्लुक नहीं है ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है सरासर गलत है तोहमत है तो हजरत वद्दीक़ रज़ी अल्लाह तु को गुस्सा आया और यह गुस्सा आना फितरी बात है कि एक शख्स जिसका खर्च में बर्दाश्त करता हूँ जिसको माहाना मैं वजीफा देता हूँ वह मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगाए कौन बर्दाश्त करेगा हलते वो बकर सिद्दीकों को गुस्सा आया और आपने मिस्ता का खर्च बंद कर दिया अल्लाह ने तुरान मजीद में आयत उतारी कि तुम में से जो लोग अपने रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करते हैं उनको चाहिए कि अपने रिश्तेदारों को दिया करें उनकी गलती माफ कर दे क्या तुम ये नहीं चाहते हो कि तुम्हारी गलतियों को अल्लाह माफ कर दे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजियल्ला के आंखों से आंसू जारी हो गए कहा अल्लाह मैं चाहता हूँ मेरी गलतियाँ भी माफ़ हो जाएं हमारे नबी ने फरमाया फिर तुम मिस्ता की गलतियों को माफ़ कर दो हजरत अबू बकर सिद्दीक सिद्दी इकरजाल्ला तैालन्हों ने दोबारा वजीफा जारी कर दिया रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करो उनकी मदद करो जरूरत पड़े तो उनका साथ दो अगर दुनिया में हर इंसान सिर्फ अपनी फिक्र करेगा तो इस दुनिया में जंगल राज हो जाएगा गरीब गुरबत में मर जाएगा बीमार बीमारी से मर जाएगा लोग एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे मेरे भाइयों हमारे इस्लाम की यह तालीम है कि लोग एक दूसरे का ताउन करें एक दूसरे की मदद करें एक दूसरे के काम आए जितना हो सकता है यह इस्लाम की तालीम है यह अल्लाह का हुक्म है इसी तरीके से अगर हम किसी के साथ उसने सलूक करते हैं किसी को सदका खैरात करते हैं तो हमको एक सवाब मिलता है सिर्फ सदके का सवाब मिलता है लेकिन अगर वो सदका हमने किसी अपने रिश्तेदार को दे दिया गरीब रिश्तेदार को दे दिया अल्लाह के नबी वसल्लम फरमाते हैं उसका डबल अजर मिलता है एक तो सदका करने का सवाब दूसरा अपने रिश्तेदार की मदद करने का सवाब अपने रिश्तेदार को ताउन करने का सवाब इसलिए अगर अपनों में कोई गरीब है तो उसको पहले दिया जाए इसका ये मतलब हरगिज भी नहीं कि सारे पैसे जक़ात सदक़त खैरा सिर्फ अपने रिश्तेदारों में बांट दें इसका यह भी मतलब नहीं है लेकिन यह है कि उनको अवलीत दी जाए उनको उनकी मदद पहले की जाएगी इसलिए कि वो अपने हैं अपना खून है अपने रिश्तेदार हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नाही से भी इस एंगल से भी मुसलमानों को एक दूसरे के साथ एक दूसरे रिश्तेदार के साथ उसने सलूक का और मदद करने का हुक्म दिया अगर हम ऐसा करेंगे हमारी ज़िंदगी में भी फ़ायदा होगा मरने के बाद भी हमको फ़ायदा मिलेगा लेकिन अगर हम कतारहमी करेंगे रिश्तों को काटेंगे दूर होंगे बातचीत बंद करेंगे ताल्लुकात को ख़त्म कर लेंगे तो उसके नुकसान भी वैसे ही ज़्यादा हैं उसके नुकसान भी वैसे ही ज़्यादा हैं क़त राहमी करने की वजह से अल्लाह ताला की लानत होती है। अल्लाह तबारक व तारा ने कुरानी मजीद में फरमाया कि जिन जिन लोगों को अल्लाह ताला ने यह हुक्म दिया था कि वो रिश्तेदारियों को जोड़ कर रखें और अल्लाह के इस आद और मीसाक को पूरा करें उन लोगों ने अपने रिश्तेदारियों को काट दिया तो ऐसे लोगों के ऊपर अल्लाह की लानत है रिश्तेदारियों को काटने वाला मलून है रिश्तेदारियों को काटने वाले पर अल्लाह की लानत है आज छोटी छोटी बात पर हम एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं। रिश्तेदारियां कटती कहाँ हैं कभी किसी खुशी पर हमारा रिश्तेदार हमको नहीं बुलाया भूल गया या जानबूझकर नहीं बुलाया बस रिश्तेदारी खत्म सिर्फ एक मौका पर आज हमारी सोच कैसी है हमारी जहनीत कैसी है इंसान एक इंसान के साथ सालों गुजार देता है उसके साथ हमेशा से लोग करता है कभी किसी मौका पर गुस्सा हो गया नाराज हो गया डांट दिया इतने सालों से साथ में रहता है हमेशा अच्छाई करता रहा हमेशा फायदा पहुंचाता रहा एक मौका पर डांट दिया एक मौका पर गुस्सा हो गया वो एक मौका पर जो बात हुई है इंसान उसको हमेशा याद रखता है जिंदगी भर के एहसान को भुला देता है क्या अल्लाह को ये बात पसंद है हमारे साथ कोई रहता है आपके साथ कोई रहता है हम उसके साथ बहुत अच्छा सलूक करते हैं अपना समझ करके कभी डांट देते हैं अपना समझ करके कभी बुरा भला कह देते हैं लेकिन सामने वाला उस लबो लहजे को अपने दिल के अंदर बैठा लेता है और वहां से उसके दिल में गांठ पड़ जाती है और वो ये समझता है कि इनसे हम ताल्लुकात तो अब नहीं रखेंगे क्या है क्या है हमारी सोच कैसी है हमारी जहनीत बरसों के एहसानात को सिर्फ एक लम्हे में हमने बुला दिया कतारहमी कर ली ताल्लुक को तोड़ दिया शादी ब्याह के मौका पर एक दूसरे को नहीं बुलाया नतीजा क्या हुआ लोग एक दूसरे से दूर होने लगे एक दूसरे से नफरत करने लगे अगर तू मुझे नहीं बुलाया तो मैं भी तुझे नहीं बुलाऊंगा क्या यही इंसानियत है यही रिश्तेदारी है मेरे भाइयों ताल्लुकी रिश्तेदारियों को काटने से बचो जो लोग रिश्तेदारियों को काटते हैं उनके ऊपर अल्लाह की लानत होती है अल्लाह की रहमतें रूट जाती हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिश्तेदारी काटने वाला जन्नत में नहीं जा सकता है ला यद खुल जन्नत का रिश्तेदारी काटने वाला जन्नत में नहीं जा सकता है अगर जन्नत में जाना है तो रिश्तेदारी को जोड़ कर रखो रिश्तेदारी को मिलाकर रखो एक दूसरे को बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा करो आप हमें बर्दाश्त कर रहे हैं तो हमें भी आपको बर्दाश्त करना होगा कि नहीं रिश्तेदारियों में एक दूसरे को बर्दाश्त किया जाता है लोगों के मिजाज मुख्तलिफ होते हैं लोगों की जहनीयत मुख्तलिफ होती है एक आदमी नरम मिजाज का होता है एक आदमी गर्म मिजाज का होता है एक आदमी सखी और फयाज होता है दूसरा आदमी बख़ील और कंजूस होता है हम एक दूसरे को बर्दाश्त कराएं लोग हमको बर्दाश्त करते हैं हमें भी दूसरों को बर्दाश्त करना चाहिए हम चाहते हैं कि लोग हमें बर्दाश्त कराएं और हम दूसरों को बर्दाश्त नहीं करेंगे बताइए रिश्तेदारी की गाड़ी आगे चलेगी नहीं चलेगी एक दूसरे को बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा कराएं इस बर्दाश्त में अल्लाह ने बड़ी मुह, बड़ी मोहब्बत रखी है इस बर्दाश्त में अल्लाह ने बड़ी बरकत रखी है कोई कोई तुंद मिजाज है सख्त मिजाज है थोड़ा बर्दाश्त कर लें फायदा भी है कोई आदमी जज्बाती है आप बर्दाश्त कर लें उसके जज्बात से भी फायदा पहुंचेगा आपको एक दूसरे को बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा करें इसी तरीके से अगर कोई शख्स कतारहमी करता है रिश्तेदारियों को तोड़ता है तो उसको दुनिया में ही सज़ा मिलती है आखरत की सजा अलग है रिश्तेदारी काटने वाले को दुनिया में भी सज़ा मिलती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बगावत करने वाला कताराहमी करने वाला इन दोनों को अल्लाह ताला दुनिया में भी सज़ा देता है और आखरत की सजाएं अलग हैं आज जो हमारे ऊपर मुसीबतें आ रही हैं आज जो हमारे ऊपर परेशानियां आ रही हैं आज जो मुख्तलिफ मुसीबतों परेशानियों में हम मुबतला हैं इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि हमने अपनों को छोड़ दिया जब हमने अपनों को छोड़ दिया तो गैर कौन हमारी मदद करेगा मेरे भाइयों खुशी के मौका पर और गमी के मौका पर जब तक अपने ना हों ना खुशी पूरी होती है ना गमी पूरी होती है आप बहुत ज्यादा खुशी मना रहे हैं लेकिन आपका कोई अपना नहीं है आपका कोई अपना नहीं है मैं आपसे पूछना चाहता हूं बताइए आप कितनी भी बड़ी खुशी मनाएं, लेकिन आपका कोई अपना आपको मुबारकबादी देने वाला नहीं है तो क्या आपकी खुशी पूरी हो सकती है नहीं हो सकती आप गमी में हैं आपके घर में मैयत हो गई कोई हादसा हो गया लोग आएंगे कोई बात नहीं है दुनिया में ये सब होता रहता दो बात करके चले जाएंगे कोई आपकी मदद नहीं करेगा लेकिन अपना सीने से लगाता है अपना अपनायत का सबूत देता है अपना उससे जो कुछ भी हो सकता है करता है अपने अपने होते हैं पराए पराए होते हैं लेकिन हमने अपनों को पराया समझ लिया और परायों को अपना समझने लगे हमारी हमारा मिजाज बदल गया हमारी सोच बदल गई हमने अपनों को दूर करके गैरों को करीब किया मेरे भाइयों जब तक अपने नहीं होंगे ना खुशी मुकम्मल हो सकती है ना गमी मुकम्मल हो सकती है गमी में साथ देने वाले गमी में हाथ बटाने वाले गमी में एक दूसरे का ताउन करने वाले अपने होते हैं कोई गैर नहीं होता है गैर आएगा दो बात करके चला जाएगा इससे आपकी जिंदगी में किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं होगी अपनों को पकड़िए अपनों को संभालिए मुसीबतों और परेशानियों में सिर्फ अपने काम आते हैं आज हमने अपनों को दूर कर दिया है आज हमको कोई सहारा देने वाला नहीं मेरे भाइयों अपनों को छोड़ करके ना खुशी मुकम्मल हो सकती है ना गमी में आपका कोई सहारा देने वाला हो सकता है इसी तरीके से अगर कोई कतारहमी करता है रिश्तेदारियों को काटता है तो इसका एक नुकसान ये है कि उसका कोई भी अमल अल्लाह कबूल नहीं करता है नमाज़ पढ़ेंगे रोज़ा रखेंगे सदका खैरात करेंगे कुरान मजीद की तिलावत करेंगे उमर करेंगे हज करेंगे लेकिन इबादत कबूल नहीं होगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जुमेरात के दिन अल्लाह के बंदों के आमाल अल्लाह के सामने पेश किए जाते हैं अल्लाह ताला उस शख्स के अमल को कबूल नहीं करता है जो रिश्तेदारियों को काट कर रखा है जिसने रिश्तेदारों को दूर कर दिया है अल्लाह उसके अमल को कबूल नहीं करता है इसलिए अपने आमाल की कबूलियत के लिए रिश्तेदारों को अपनाना ज़रूरी है मेरा ये पैगाम है हमारा कोई रिश्तेदार अगर हमसे दूर हो गया है जुमा की नमाज के बाद अगर करीब है तो आप उसके पास जाएं। उससे मिलें और उसको एहसास दिलाएं कि मैं दूर नहीं हूं मैं तुझसे मिलकर हूं और अगर कोई रिश्तेदार दूर है जहां आप नहीं जा सकते हैं तो आप फोन करके उसका हाल चाल लें और बताएं कि मैं आपसे मिलकर हूं आपसे अलग नहीं हूं करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक हमारे दिलों पर कुरान हदीस का असर पैदा करे खुतबे सुन लेना तकरीरें सुन लेना वाजो नसीहत की मजलिसों में शरीक हो जाना ये काफ़ी नहीं है हमारे दिलों पर उसका असर होता है कि नहीं हमारा दिल उसे कबूल करते हैं कि नहीं अगर हमारे दिलों पर उसका असर हुआ और हमारे जहनों दिमाग ने उसको कबूल किया तो इसका मतलब है कि हमें वाजो नसीहत से फ़ायदा हुआ वरना कोई फ़ायदा नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जुमे रात को बंदों के अमाल अल्लाह के सामने पेश किए जाते हैं अल्लाह ताला उस बंदे के अमल को कबूल नहीं करता है जिसने रिश्तेदारी को काट कर रखा हो इसी तरीके से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं सामने वाला वो हमारी इज्जत नहीं करता है तो हम क्यों करना सामने वाला हमें नहीं बुलाता है तो हम क्यों बुलाना अल्लाह के वसल्लम की हदीस सुन लो बिल मुकाफी वला किन्नवासिल्ल खुतियत रह सही बुखारी की हदीस है असल में मिलाने वाला वो नहीं है जो मिलता है उससे मिलाता है असल में मिलाने वाला वो है अगर कोई कटता है तो ये उससे मिलता है अगर उसने हमारे साथ ताउन किया हमने भी उसके साथ ताउन किया तो कोई कमाल नहीं किया उसने अच्छा किया हमने भी अच्छा किया जब वो हमारे साथ ताउन ना करे हमसे कोऑपरेट ना करे हमसे दूर भागे फिर भी हम उससे मिलें फिर भी हम उसको करीब हों तो ये है असल ईमान ये है असल सिला रहमी ये है असल इंसान का अखलाक वो हमसे मिलता है हम उससे मिलते हैं ये तो बराबर सराबर है ये तो बदले की बात है एक सहाबी ने अल्लाह के नबी से कहा कि अल्लाह के रसूल मेरे कुछ साथी हैं मैं रिश्तेदार हैं मैं उनके साथ हुसन सलूक करता हूँ वो मेरे साथ बदसलूकी करते हैं मैं उनके साथ एहसान करता हूँ वो एहसान फरामोशी करते हैं मैं उनकी तारीफ करता हूँ वो मेरी तोहन करते हैं अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अपना काम करते रहो तुम अपना काम करते रहो अगर ऐसे ही है जैसा कि तुम कह रहे हो तो अपने रिश्तेदार के मुंह में तुम गरम राख डाल रहे हो यानी तुम्हारा फायदा होगा तुम्हारे अमल की बुनियाद पर हम अच्छा करेंगे अच्छाई का फायदा हमको दुनिया में भी मिलेगा और आख़रत में भी मिलेगा वो गलत कर रहा है उसकी गलती का नुकसान उसको दुनिया में भी मिलेगा आखिरत में भी मिलेगा वो गलती कर रहा है फिर हम भी गलती करें तो हमारे में उसमें फ़र्क क्या रह गया इसी तरीके से एक चीज़ और याद रखें रिश्तेदारों में सिला रहमी करते वक्त भी तरतीब होना चाहिए हमारी रिश्तेदारों के हमारा हमारे ऊपर सबसे बड़ा हक किसका है माँ बाप का है माँ बाप में भी सबसे बड़ा हक किसका है माँ का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साथी ने पूछा कि आय अल्लाह के रसुल मेरे हुसने अखलाक का सबसे ज़्यादा मुस्तक कौन है तो आपने कहा तुम्हारी माँ कहा फिर कहा तुम्हारी माँ कहा फिर कहा तुम्हारी माँ तीन मरतबा माँ का जेर का उसके बाद चौथी मरतबा किसका बाप का तो हमारे हसन सलूक का हमारे सिरारामी के सबसे ज़्यादा हकदार कौन है माँ बाप लेकिन हा हमारा हाल ये है कि माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो लोग अपने माँ बाप को भी बोझ समझने लगते हैं आज हालत ये है हम बीवी की मोहब्बत में हम बीवी के इश्क में इस कदर पागल हो गए हैं कि हमने माँ बाप का एहतराम करना छोड़ दिया हमारे हसन सलूक के सबसे ज़्यादा हकदार हमारे माँ बाप उसके बाद हमारी बीवी बच्चे हैं उसके बाद हमारे रिश्तेदार हैं इसकी तरतीब होनी चाहिए माँ के लिए बीवी को छोड़ा जा सकता है लेकिन बीबी के लिए माँ को नहीं छोड़ा जा सकता आज कितने लोग ऐसे हैं गरीब हैं रहने की जगह नहीं है लेकिन अपनी माँ को अपने साथ में रखे हैं और कितने अमीर हैं जिनके पास आलीशान महल हैं लेकिन माँ बाप के रहने के लिए जगह नहीं वो ओल्ड हाउस में जिंदगी गुजार रहे हैं यह है हमारी हालत और हम कहते हैं अल्लाह हमसे नाराज हो गया है हमारी जिंदगी में बरकत नहीं है सुकून नहीं है हमने बरकत और सुकून वाला काम कौन सा किया अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगियों में बरकत हो तो अपने इन अपनों को अपनाना सीखें माँ बाप की दुआएं लें कारोबार की बरकत के लिए जिंदगी में कामयाबी के लिए लोग पीरों फकीरों मुर्शिदों के पास जाकर के उनसे दुआ की दरख्वास्त करते हैं सुन लो अल्लाह के नबी नबीम ने फरमाया माँ बाप अपनी औलाद के लिए अगर दुआ कर दें उनकी दुआ रद्द नहीं होती है सही हदीस है माँ बाप की दुआ कभी रद्द नहीं होती है लेकिन इतना बड़ा वली हम घर में रखकर हम मौलवियों के पीछे फ़कीरों के पीछे भाग रहे हैं उसकी दुआ कबूल होती है कि नहीं वो दुआ करता है कि नहीं मेरे भाइयों अपनों को अपनाएं इसी में ज़्यादा फ़ायदा है अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम तमाम लोगों को सच्चा पक्का मुसलमान बनाए एक दूसरे के हक़ूक़ अदा करने की तोफ़ी इनायत फरमाए अल्लाह जब तक दुनिया में रखे इस्लाम पर क़ायम रखे खातमा हो तो ईमान बिल खैर पर हो रबना तो कब्बल इन्नका अंतस समीउल अलीम व समी अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर या आमीन